हेलो गाइस तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आज के इस वीडियो में बहुत ही स्पेशल चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैं आपको वो सारे एफर्ट्स दिखाने वाला हूँ जो वेस्ट विजर्स की विक्ट्री के पीछे थे कितने सारे लोगों ने एक पूरी टीम ने मिलकर साथ में काम करा था कितने ज़्यादा एफर्ट्स डाले गए थे और कितनी ज़्यादा मूवमेंट्स कितने ज़्यादा यू नो हार्डवर्क करा गया था इसे एक विक्ट्री के लिए तो मैं आपको वो दिखाता हूँ सबसे पहले ये देखिए द लेवल ऑफ़ प्रिपरेशन कितनी ज्यादा मेहनत वैसे को करनी पड़ती है या फिर किसी को भी बैक स्टेज करनी पड़ती है स्टेज पर चढ़ने से पहले मतलब बिल्कुल ये स्टेज पे खड़े हैं स्टेज की इनका नाम कॉल आउट होने वाला है और उस टाइम पर भी ही इज डूइंग पुशअप्स इनको पुशअप्स उस टाइम पर भी करने पड़े बिकॉज ही वॉन्टेड टू पम्प हिज बॉडी और उस टाइम तक इनको ट्राई करना होता है कि अपना बेस्ट पैकेज स्टेज पर लेकर आए तो इतने ज़्यादा एफर्ट्स डालने होते हैं जबकि इनकी बॉडी उस टाइम पर पूरी तरह से डिहाइड्रेटेड होती है वेरी लेस एनर्जी एनर्जिकाइज उसके बाद भी अपनी तरफ से हर एक एथलीट 100 परसेंट करते हैं और ये कुछ ऐसे एफर्ट्स होते हैं कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो हम सबके सामने नहीं आते जब ये लोग स्टेज पर आते हैं हम सिर्फ उसके बेस पर बात करते हैं और डिटर्मिन करते हैं कि मैन इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है इसका पंप अच्छा नहीं है बट वॉट वी डो नॉट रियलाइज़ कि ये कितने ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं गाइस कितना ज़्यादा अपने आप को ये झोंक देते हैं इस चीज़ के अंदर अपनी लाइफ को एक तरह से रिस्क कर रहे हैं इस चीज़ के लिए तो हम लोगों को इन चीज़ों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए और आज के वीडियो का जो मैं आपको ये सब चीजें दिखा रहा हूँ इसका रीजन एक यही है उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक इनक्रेडिबल मूवमेंट का जब वेजली का नाम एज अ विनर अनाउंस होने वाला था मतलब ब्रियान और वेजली के बीच में डिटर्मिन होना था कौन विनर है तो बैक देखिए वेजली की टीम वेजली के कोच और उनकी टीम के एक मेंबर कैसे खड़े थे बिल्कुल नर्वस फिंगर्स क्रॉस्ड और उसके बाद जब वेजली का नाम अनाउंस हुआ मतलब बियॉन का नाम अनाउंस हुआ सेकंड प्लेसर के लिए तो मैन लुक एट दियर इमोशंस कितने ज्यादा ओवरवेलम ये हो गए थे कितने ज्यादा इमोशंस इन्होंने फील करे थे मतलब इतनी सारी चीजें एक साथ इनको हिट करी होंगी कि मतलब देखो कितने ग्रेटफुल कितने थैंकफुल ये लग रहे हैं किस तरह का मूवमेंट है ये मतलब यू कैन नॉट इमेजिन दिस काइंड ऑफ मूवमेंट अनलेस यू हैव एक्सपीरियंसड इट और इन्होंने वो चीज एक्सपीरियंस करी है उसके बाद मैं आपको एक मूवेंट दिखाना चाहूंगा बियॉन्ड वेस्ट विज़र्स के बीच में क्योंकि विनर का नाम अनाउंस होने वाला था और इन दोनों को पता था कि फर्स्ट और सेकंड के लिए वी बोथ आर फाइटिंग तो वहां पर गाइस पहले तो वेस्टली विजर्स ने ब्रियॉन एस्ली को प्रेस करा और कहा कि यू लुक इनक्रेडिबल मैन आप बहुत अच्छी फिजिक लाए हो उसके बाद ब्रियन एस्ली ने भी वेस्टली विजर्स को देखते हुए बहुत ज्यादा उनको पेस करा अप्रिशिएट करा कि अब ये तुम्हारा टाइम है और तुमको आगे ही क्लाइंब अप करते रहना है आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आपको बहुत आगे जाना है अभी तो ये एक जबरदस्त मूवमेंट थी एक जबरदस्त स्पोर्ट्समैनशिप थी मतलब ब्रियन एस्ली को भी इस मूवमेंट पर पता था कि वेस्टली विजर्स इज गोइंग टू विन जिस तरह से स्टैंडिंग करे तो इन लोगों को आइडिया लग जाता है तो वहां पर बियन एस्ली ने इतने अच्छे से उनके साथ यू नो कम्युनिकेट करा और वेस्टली विजर्स ने भी बहुत अच्छे से रेस्पॉन्ड करा उन्हें बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल एक दोनों के बीच में हेल्दी रिलेशनशिप वहां पर लग रही थी उसके बाद ये देखिए द काइंड ऑफ कंडीशनिंग वेस्टली विजर्स प्लॉट अब देखो जो हम लोगों ने देखा अभी तक हमने फुटेज देखी रिकॉर्डेड जहां पे सबके साथ कॉल आउट्स हो रहे थे या फिर जो लाइव पेपर व्यू पे आ रही थी बट हमने इस तरह से नहीं देखा जो एक्चुअल फुटेज इन एथलीट्स के पास मिली है ये मुझे मिली है वेस्टली विजर्स के चैनल पर और देखिए इसमें आप एक्चुअल में डिटर्मिन कर सकते हैं हाउ इम्प्रूव How crazily conditioned, how Wesley was. हम लोगों को बस कुछ नहीं पता लग पाता और ये भी आई थिंक हंड्रेड परसेंट नहीं है कम्पेयर टू जैसे वो स्टेज पर लग रहे होंगे जो वहां पर लाइव देख रहे होंगे उन लोगों को लग रहे होंगे मतलब देखो यहाँ पे आप वेलू की फिजीक मैं एप्स ग्रीक गॉड वाली फिजीक लग रही है एक बिल्कुल ही क्लासिक स्ट्रक्चर और आप देखो डिटेल की इस लेवल की है मतलब आप बाईस्पे सेपरेशन देख सकते हो और देखो हमने अब तक जितनी भी फुटेज देखी है हमने इस तरह से नहीं देखी होगी क्योंकि यहाँ पर इतना क्लोज एंगल है आप ये तक देख सकते हो बाइसेप हेड किस तरह से इनके डिवाइड हो रहे हैं उसके बाद बाइसेप पर फैदर्स तक देख सकते हो क्या ये चीज़ हमें पहले जो हमने वीडियो बनाई थी या हमें फुटेज मिली थी उस पर दिखी थी किसी को भी नहीं दिखी ये फुटेज हमें वेस्ट विजर्स के चैनल से ही मिली और आप देख सकते हो फेदर्स किस तरह बाइसेपे फट रहे हैं मतलब हाउ मच डिटेल डिजर्व करते हैं विजर्स ये विक्ट्री और बहुत ही इंसीन पैकेज बहुत ही जबरदस्त पोजिंग गाइस और जिस तरह से डिफरेंस पता लगता है ना एक फोटोज के अंदर और जिस तरह से पेपर व्यू की फुटेज से पता लगता है ये लाइव फुटेज जो होती है इतनी बढ़िया वाली क्वालिटी की फुटेज होती है उससे पता लगता है तो एक्चुअल में अब ये पता लगता है कि हम डिसाइड नहीं कर सकते फोटोज के बेस पर और इसीलिए आई थिंक मैंने कंपैरिजन वीडियोस बनाना बंद बन कर दिया है बिकॉज़ फन के परस्पेक्टिव से वो बनाए जा सकते हैं बट उसके अलावा एक्चुअल में हम कुछ डिटरमिन नहीं कर सकते एनीवेज उसके बाद अब देखते हैं ये मोमेंट जहाँ पर वेस्ली विज़र्स अपनी टीम को और अपनी वाइफ को कुछ बोल रहे हैं आफ्टर विनिंग द शो आफ्टर विनिंग द टाइटल तो यहाँ पर वैसे क्या बोल रहे हैं देखिए वो बोल रहे हैं कि मुझे पता था ऐसा कुछ होगा बट मैं यकीन नहीं कर पा रहा था मतलब ही वॉज एक्चुअली नॉट रेडी टू बिलीव वो तैयार नहीं थे इस चीज़ को बिलीव करने के लिए जब तक ये एक्चुअल में हो नहीं जाता है बिकॉज वो थोड़े से डर रहे थे कि कहीं मैं ऐसा सोचू कि मैं ही जीतने वाला हूँ और ऐसा ना हो तो हाउ वुड इट फील तो इसलिए जब तक वो मोमेंट नहीं आई उनको ये फीलिंग थी बहुत स्ट्रांग कि मैं जीत सकता हूँ या मैं ही जीतने वाला हूँ लेकिन वो इस चीज़ को बिलीव नहीं कर रहे थे एंड हाउ ग्राउंड टू अर्थ दिस पर्सन इज जिस तरह से ही इज कॉम्युनिकेटिंग उसके और उसके बाद गए सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट इनकी ये मूवमेंट है टाइलर मीनियन के साथ तो ये टाइलर मीनियन के साथ मिले और उनसे इन्होंने बात करी और उनसे इन्होंने सारा फीडबैक लिया कि वट ऑल थिंग्स ही नीड्स टू इम्प्रूव फ्राम ना वन और बहुत ही अच्छे वे में टाइलर को इन्होंने थैंक करा इस सारी ऑपर्चुनिटी के लिए और उसके बाद इन्होंने प्रॉमिस करी ही विल वर्क रियली हार्ड बहुत ज्यादा ये मेहनत करेंगे और मिस्टर ओलम्पिया बहुत ज्यादा एक्साइटिंग बनाएंगे सबके लिए और इससे बहुत बेहतर पैकेज लेकर आएंगे इनको सब कुछ पता लग जाए कहा इंप्रूव करना है और अभी तक भी टाइलर मीनियन ने इनसे यह भी कहा कि जैसे आप आ रहे हो आप कॉन्स्टेंटली इंप्रूव कर रहे हो जब मैं आपको 2018 2019 में देखा था उसके दो आर डिफरेंट दो हजार और इसी तरीके से आप इंप्रूव इंप्रूव करते रहो Wesley ने भी यही कहा कि यस मैन आई एम गोइंग टू मैं मिस्टर ओलंपिया में सबके लिए एक्साइटिंग बनाऊंगा प्लीज जरूर देखना और अपना हार्डवर्क करूंगा और जितनी ज्यादा मेहनत मैं कर सकता हूं उस चीज को करने के लिए वो सब मैं करूंगा तो मैन ये सारी मूवमेंट्स एब्सोलूटली बहुत ही ज्यादा टचिंग मूवमेंट्स हैं जो हम लोग को पता नहीं लग पाती हम लोग को स्टेज पे सिर्फ पंद्रह बीस मिनट की परफॉर्मेंस दिखती है उसके पीछे क्या क्या चल रहा है इनके कोच के इमोशन इनके टीम

2022 का जो पैकेज था बहुत कॉम्पैक्ट पैकेज था और बहुत ही कंडीशनिंग और मसल मेचोरिटी के साथ था वहीं पर ये जीते थे यस आप, आपको इतना साइज नहीं लाना चाहिए आपका जो पैकेज चल रहा था उसी हिसाब से आते अपनी स्ट्रेंथ पर खेलते आपको साइज की रिक्वायरमेंट नहीं थी साइज की वजह से आपकी वेस्ट थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो गई और यहीं पर आकर आप क्यून पियर्सन से लूज कर गए तो इस फीडबैक के बाद हमने सोचा था स्ट्रॉन्डर इस साल इस चीज पर ही वर्क करेंगे वो साइज के पीछे इतना नहीं जाएंगे बट मैन यहाँ पे आप देखो ये तो बिल्कुल एलियन जैसे लग रहा है मतलब ही इज नॉट लुकिंग लाइक ए ह्यूमन इतनी ज्यादा मसल ऑलरेडी श्राउंड क्लाइटा को हम जानते हैं पाउंड टू पाउंड सबसे ज्यादा मस्कुलर बॉडी बिल्डर है ये उसके बावजूद अब तो ये और भी ज्यादा इंक्रीज कर चुके हैं बहुत ही मैसिव लग रहे हैं हर एक प्रपोर्शन इनका, इनका इंक्रीज हो गया है वेस्ट भी बड़ी भी लग रही है ये ऑफ सीजन इनका काफी ज्यादा भयंकर जा रहा है तो मुझे नहीं पता इनके माइंड में क्या चल रहा है क्यों ये इस अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं क्या ये डिवीजन चेंज कर रहे हैं या किस तरीके से इस बार ये जाना चाहते हैं बट मैन ही इज लुकिंग लाइक अ डिफरेंट ह्यूमन बींग शॉन क्लाइडा को इतना हैवी हमने कभी नहीं देखा आई थिंक इनका हैवीएस्ट होगा ये इस वक्त और जिस तरह से इनके मसल्स फुलर लग रहे हैं मैन मतलब अप्रिशिएट करने का पूरा पूरा मन कर रहा है कि हाँ बहुत जबरदस्त मसल्स इन्होंने पुटॉन कर लिए हैं सारे हार्ड और लग रहे हैं बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा वाटरी लग रहा है ये बट यस उसके बाद भी अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें कि इनको क्यों पेसन से टाइटल जीतना है तो इस पर्सपेक्टिव से मुझे थोड़ी सी अप्रोच अलग लग रही है बट मैन आई थिंक इनके कोच और इन्होंने मिलकर कुछ डिसाइड करा होगा इनके माइंड में कुछ होगा खतरनाक सी चीज़ वो हमें टाइम के चलते ही पता लगेगी बट अभी के लिए तो मैन ही इज लुकिंग जस्ट लाइक एन एलियन एक म्यूटेंट जैसे लग रहे हैं जैसे म्यूटेंट हो गए पूरी तरीके से निकवाकर की तरह एनी अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर जो कि एरिन बैंक्स की यानी कि हमारे 2022 के मिस्टो ओलंपिया मेंस फिजिक चैंपियन की तो इनको मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर करा था मैंने बताया था कैसे ये रिटर्न कर गए हैं अपने अपडेट्स भी डाल रहे हैं पोस्ट पर कैप्शन भी डाल रहे हैं और अब देखिए ये एरिन ने ये अपडेट शेयर करी है और इसमें इनकी फिजिक किस कदर डाइस लग रही है किस कदर वैस्कुलर लग रही है अब मुझे नहीं पता ये अभी रिसेंट की है या इन्होंने पहले की डाली है बट मुझे तो अभी रिसेंट की लग रही है बिकॉज आपने इनकी लास्ट पोस्ट वगैरह देखी थी वहाँ पर ये कैप्शन डाल रहे थे कुछ टाइम से पिछले दो तीन वीक से कि प्रेप इज़ अंडर हुए प्रैप इज़ अंडर हुए मतलब प्रेप चल रही है किसी चीज़ की और अब एकदम से ये पिक्स डाल देना जो इन्होंने पहले कभी नहीं डाली बाकी एनी साथ में कैप्शन देखो इन्होंने कैसे डाले एक कैप्शन में ये बोल रहे हैं ये कम पर्सनल है इट्स अ थैंक टू एवरी वन हु डिड नॉट बिलीव इन मी मतलब ये कम इनका पर्सनल है और ये हर किसी को शुक्रिया कर रहे हैं जिन्होंने इनके अंदर बिलीव नहीं करा इनकी एबिलिटी में बिलीव नहीं करा और दूसरी चीज़ इन्होंने एक और डाली वहाँ ये कहते हैं कि फ़ाइट अभी खत्म नहीं हुई ये तो जस्ट बिगिनिंग है तो मैन दोबारा से एरिन बैंक्स हमें पूरे जोर में पुराने ही तरीके से वापस आते हुए दिख रहे हैं क्योंकि एरिन बैंक्स इस तरह के कैप्शन इस तरह के पोस्ट आप जानते हो पिछले छः सात महीने पहले तक यूज़ करते थे मिस्टर ओलंपिक से पहले तक और यहाँ पर अगेन एक तरीके से ये अटैक कर रहे हैं इस तरह के कैप्शन डाल रहे हैं जहाँ पर इनका थोड़ा सा यू नो एरेगेंट वाला फील और जो विलन वाला फील होता है वो निकल कर आ रहे हैं बहुत ही अच्छे वे में बुरे वे में नहीं है कुछ भी ये जैसी इनकी पर्सनैलिटी है उसी चीज़ को जो एक तरह से थोड़े टाइम के लिए गायब हो गई थी वो वापस आ रही है और हम यही चाहते हैं मैन एक बहुत ही स्ट्रांग अप्रोच फ्रॉम एरिन बैग्स हर कोई जैसा है उसे चेंज नहीं करना चाहिए एक बस हेल्दी वे में दूसरों की डिसरिस्पेक्ट ना करें बाकी अपने को लेके किसी भी तरीके से आगे बढ़ें और जो बिहेवियर है हमने एरिन बैग्स को वैसे एक्सेप्ट कर तो लिया ही था बाकी हमें एक ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि एरिन मैक्स इज द ओनली पर्सन जेरेमी वोन्दिया के बाद जिन्होंने मैं फिजिक कैटेगरी को फिर से एक लाइमलाइट में ला पाए हैं मतलब जेरेमी के बाद ये कैटेगरी पूरी तरह तो से गायब होती जा रही थी कोई भी इतना नेम नहीं था ब्रैंडन हंड्रिक्सन यस कॉन्स्टेंटली कॉन्टिन्यूसली टाइटल जीतते जा रहे थे बट वो बात नहीं आ पा रही थी वो लाइमलाइट में ये मैं फिजिक कैटेगरी नहीं आई थी जैसे कि एरिन बैंक्स एकदम से एक डेढ़ साल के पीरियड में ही ले आए थे तो हमें वो चीज़ नहीं भूलनी चाहिए बाकी बाकी ये कैप्शन देख के ये फिजिक अपडेट देख के इस तरह इनको देख के बहुत ही अमेजिंग लग रहा है अब पता नहीं किस शो की प्रैप चल रही थी या फिर ये एक्चुअल में अभी की फुटेज है लेकिन हाँ ये तो पता है कि कई शोज हैं अब लाइंड अप एक के बाद एक शो होते जा रहे हैं दो तीन वीक्स में भी शो, भी शो है फिर उसके बाद भी शो है फिर उसके बाद भी शो है तो हो सकता है किसी भी शो में उतरते हुए हमें दिख जाए अगर इनको कम्पीट करना है तो बाकी इनके कैप्शन के हिसाब से ही मैं बता रहा रहा उससे तो लग रहा है ये कम्पीट करने वाले हैं अब कहाँ पर करते हैं हमें नहीं पता बाकी एक चीज और कि आनो क्लासिक का टाइटल दो साल से सा आप जानते हो एरिन मैक्स के हाथ में ही था इस साल तो बहुत ही आसानी से उन्होंने ये टाइटल किसी को भी दे दिया मतलब उन्होंने कम्पीट ही नहीं करा इसको डिफेंड करने की कोशिश ही नहीं करी तो ये टाइटल उनके ना होने की वजह से किसी और को मिल गया बट जिस तरह से आप जानते हो आनो क्लासिक यूके में हमें कॉरी मॉरिस जीतते हुए है। तो मैन अगर आप उनकी फिजिक देखोगे तो एब्सोल्युटली अगर एरिन बैंक्स होते हैं तो एरिन बैंक्स ही जीतते कोरी मोरी बहुत मतलब मुझे इतने फिजिक में मजा नहीं आया कंडीशन भी उस हिसाब से जीता है बहुत ही मुझे तो सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहे थे उसके बाद भी वो जीत गए तो मैन फिजिक का वैसे ही कुछ नहीं कह सकते लेकिन हाँ अगर एरिन बैंक्स होते हैं तो एप्सलूटली अपने टाइटल बहुत स्ट्रॉगली डिफेंड करते जिस हिसाब से फिजिक्स में डिफरेंस है बाकी एनीवेज चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर जो कि बैंडन हंड्रिकसन की और बैंडन हंड्रिक्सन इज लुकिंग फॉर अ शो बिफोर ओलंपिया यस गाइस बैंडन ने अभी अभी एक पॉडकास्ट में बताया है कि मिस्टर ओलंपिया से पहले मैं एक शो करना चाहता हूं अब वो कौन सा शो है उस बारे में उन्होंने नहीं बताया लेकिन हाँ दुबई शो के बारे में उन्होंने बात करी कि ये काफी मिस्टर ओलंपिया के करीब है और यहाँ पर मैं कम्पीट कर सकता हूँ और ये काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है क्योंकि अभी रिसेंटली ही इन्होंने ओपन बॉडी बिल्डिंग एड करी है दुबई प्रो शो में इससे पहले लास्ट ईयर तक दुबई इससे पहले गए लास्ट ईयर तक दुबई प्रो शो में ओपन कैटेगरी नहीं थी इसी साल से एड करी गई है प्लस प्राइज मनी ओपन कैटेगरी का हंड्रेड थाउजेंड डॉलर से आई थिंक तो इट इज़ अ वेरी गुड प्राइज मनी बहुत ज़्यादा लोग मैं पहले ही बता चुका हूँ इस पर आई कर रहे होंगे क्योंकि इस बड़े हुए प्राइज मनी ने कई सारे लोगों को इस शो में जंप करने के लिए एक्साइट तो कर ही दिया है बाकी देखते हैं बैंडन करिए अगर इसमें कूदते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई और जीत पाएगा अनलेस एन अनिल सैमसंग ऑर्डर उस टाइम तक फिर से प्रिपेयर कर जाएं और फिर से रिकवर करने के बाद कम्प्लीट करने उतर जाएं बिकॉज़ फिर तो फिर वो टाइटल उनका ही होगा एक अच्छी अमाउंट वो फिर से वहाँ कैप्चर कर लेंगे लेकिन हाँ अगर वो नहीं उतरे तो ये टाइटल बैंडन करी का ही होगा क्योंकि एक मोमेंटम भी लेके जाना चाहते हैं मिस्टर ओलंपिया में इस बार एनी नेक्स्ट अपडेट पर चलते हैं जो कि है चार्ल्स ग्रिफिन की तो चार्ल्स ग्रिफिन कुछ टाइम से पूरी तरह से गायब हो गए थे बट अब ही एस कम बैक कि चार्ल्स ग्रिफिन अभी पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं इनका जो पैक ट्र हुआ था उसे इंप्रूव करने के लिए अपने पैक को फिर से पुरानी कंडीशन में लाने के लिए और ये प्रोसेस इनको टायर कर रहा है बिकॉज काफ़ी ट्राई कर रहे हैं ये इसको इंप्रूव करने की जल्दी से जल्दी लेकिन ये उस तरीके से स्पीड अप हो नहीं पा रहा है रिकवर ये उस स्पीड से नहीं हो पा रहा है जिस स्पीड से ये होना चाहते हैं बट चार्ल्स यहाँ पर रेडी नहीं है गिव अप करने के लिए ही इज़ कॉन्स्टेंटली ट्राइंग नई नई अप्रोच ये फॉलो कर रहे हैं ताकि ये रिकवर हो जाए बिकॉज इनको लगता है कि अगर ये चीज़ इंप्रूव नहीं हुई तो इनकी प्लेसिंग और ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो सकती जो आई थिंक काफ़ी हद तक सही भी है बिकॉज आपका एस्थेटिक भी देखे जाते हैं और इस बार तो लाइनअप और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा लास्ट ईयर चार्ल्स ग्रिफिन ने टॉप टेन क्रैक कर लिया था इवन विद अ टॉन पैक बट लास्ट ईयर चीज़ें बहुत डिफरेंट थी गाइस इस साल वैसी चीज़ें नहीं होंगी इस साल तीन चार एथलीट्स वापस आ रहे हैं जिसका मतलब है जो भी दस पे था वो चौदह पे हो जाएगा और जो आठ पे था वो होगा ग्यारह पर तो टॉप टेन से बाहर हो जाएंगी प्लेसिंग्स बहुत सारी इसीलिए सबको अपना बेस्ट से बेस्ट पैकेट लाने की ट्राई करनी है और वही चीज़ें लोग कर रहे हैं बिकॉज उनको पहले से ही दे देर अवेर कि क्या चीज़ें होने वाली हैं अगर हम ये चीज़ नहीं करते हैं तो बाकी इनकी फिजिक की बात करें तो आप जानते ही हो मसल मेचोरिटी बोल लो कंडीशन बोल लो या फिर मसल हार्डनेस किसी चीज़ की भी चार्ज के पास कमी नहीं है बहुत सारे एथलीट्स हैं इन सारी चीज़ों में ये आगे हैं बट अ नैरो फ्रेम ये कैरी करते हैं एक नैरो फ्रेम वहीं आके इनके लिए एक रेस्ट्रिक्शन बन जाती है और उतना फ्रेम इनका वाइट साइड पे नहीं है जैसा जेम्स वालिंग साइड का देखते हो आप कितने टॉल हैं वो उसके बाद भी उनका फ्रेम भी वाइट साइड पे नहीं है और यही चीज़ें काफ़ी ना रेस्ट्रिक्ट कर देती हैं एक बॉडी बिल्डर को इनकी तो हाइट भी कम है तो उसके साथ इनको वर्क करना है इसीलिए अपने पैकेज में जो भी इंप्रूव कर सकते हैं जो भी पहले की तरह कर सकते हैं वो करने की ट्राई कर रहे हैं बट क्वेश्चन तो वही बनता है क्या ये अपनी टॉप टेन में प्लेसिंग बनाए रख पाएंगे क्या ये इस साल भी एक ज़्यादा कंपिटेटिव लाइनअप पर टॉप टेन क्रैक कर पाएंगे ये तो खैर टाइम ही बताएगा